हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे आज के इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एम पॉकेट इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि एम पॉकेट इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से आप किस तरीके से घर बैठे पर्सनल लोन ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग कम्प्लीट डिटेल्स में देखेंगे। तो इसमें हम लोग 4 से 5 पॉइंट ऐसा देखेंगे कि जो कि जानकारी होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एम पॉकेट इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन क्या RBI रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, है तो इसका NBFC पार्टनर कौन है, इसमें आपको कितने तक का लोन अमाउंट मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कितना सिबिल स्कोर होना चाहिए, कितने दिनों के लिए लोन देता है, सब चीज़ हम लोग A to Z देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एम पॉकेट इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन का। आज के डेट में 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है। इसकी रिव्यू की बात करें तो 4.5 स्टार जो है इस एप्लीकेशन को रेटिंग मिला हुआ है। इसके अबाउट सेक्शन पे चलते हम लोग समझते हैं, ये इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप फॉर स्टूडेंट एंड सैलराइड अप टू 30,000 RBI रजिस्टर्ड। ये आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन देता है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो वो आपको मिल जाएगा, या फिर आप सैलराइड हैं तो भी आपको मिल जाएगा। ये जो है मैक्सिमम आपको 30,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड करता है, मिनिमम जो आपको 500 रुपये का लोन देता है और मैक्सिमम 30,000 रुपये तक का ये आपको लोन देता है। यहाँ से हम लोग इसकी सब चीज़ देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं। तो लोन अमाउंट जो आपको मिलता है वो कितना मिलता है, 500 से लेकर के 30,000 के बीच में। इसका इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 0% से 4% के बीच में होता है। टेन्यूर की बात करें यानी कि लोन टेन्यूर, लोन रिपेमेंट टाइम जो आपको मिनिमम 61 डेज का मिलता है और मैक्सिमम 120 दिन के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो लोन अमाउंट होता है वो इस एप्लीकेशन के द्वारा आपको मिनिमम 500, मैक्सिमम 30,000 मिलेगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 0% से 4% पर मंथ, और लोन टेन्यूर यानी कि लोन रिपेमेंट टाइम आपको 61 दिन से लेकर के 120 दिन के बीच में मिलता है। इसके हम लोग की फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो इंस्टेंट पर्सनल लोन देता है 30,000 रुपये का, या आपको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करता है बैंक या फिर पेटीएम अकाउंट में 2 मिनट के अंदर। 4 मंथ तक का मैक्सिमम रिपेमेंट टाइम रहता है, यदि आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो कुछ रिवार्ड्स आपको यहाँ पे मिलता है। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यदि आप स्टूडेंट या फिर सैलराइड है, आपने इससे लोन लिया कितने रुपये का, 2,000 रुपये का, और आपको जो लोन टेन्योर मिला वो मिला 3 मंथ का, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज पड़ेगा वो 24% चार्ज पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग फीस एंड लोन मैनेजमेंट फीस जो है 200 रुपये कटेगा। GST प्रोसेसिंग फीस में जो GST कटेगा वो 36 रुपये कटेगा, और टोटल इंटरेस्ट जो आपको पड़ेगा 120 रुपया। यानी कि आपने यदि इसे लोन लिया 2,000 रुपये का तो आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा 2,356 रुपया। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात कर लेते हैं, तो जो स्टूडेंट है उसका जो कॉलेज स्टूडेंट है तो उसका एम पॉकेट ID बना हुआ होना चाहिए। तो एम पॉकेट ID आप किस तरीके से बनाएंगे, तो अपना कॉलेज का जो I कार्ड है उसको दे करके। सैलराइड पर्सन का जो मिनिमम जो सैलरी होना चाहिए वो 9,000 रुपये पर मंथ होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट क्या लगता है। तो यदि आप कॉलेज ID स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज ID लगेगा, उसके बाद लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या फिर ज्वाइनिंग लेटर फॉर सैलराइड प्रोफेशनल, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, ये तीनों में कोई एक चीज़ दे सकते हैं, पैन कार्ड और KYC डिटेल्स। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाले सेक्शन के लिए आपको स्टूडेंट का I कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, उसके बाद आपको KYC डिटेल्स फिल करना है। यदि आप सैलराइड पर्सन है तो आपका लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड और KYC डॉक्यूमेंट लगेगा। अब बात कर लेते हैं क्या ये कंपनी NBFC से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा जी हाँ, एम पॉकेट इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं लोन लेने के लिए सिविल स्कोर क्या होना चाहिए। तो इसमें लोन लेने के लिए सिविल स्कोर जो है 700+ होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एम पॉकेट इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।